रिस्पेक्ट से मतलब क्या है। मैंने ये डायग्राम बनाया है, इसमें ये जो टीचर कंसेप्ट है वो शामिल है। चार एस्पेक्ट हैं इसके। एक तो गवर्नमेंट रिस्पेक्ट देती है, उसमें मेन एस्पेक्ट क्या है, फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करती है टीचर को, पे अच्छी मिल रही है हमारे इंडियन टीचर को, टाइमली मिल रही है, प्रमोशन मिल रही है, इंसेंटिव मिल रहा है, और क्या भीख की तरह मांगनी तो नहीं पड़ती टीचर्स को सैलरी, अपने इंसेंटिव, इंक्रीमेंट। इस पर क्वेश्चन है, इस पर कांटा लगा दिया। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है जो बड़े अच्छे शब्द कहे, रिस्टोर्ड किया जाएगा, उसमें ये मीनिंग शामिल किया जा सकता है, क्योंकि टीचर्स को। इस पर डिटेल आपको अभी बताता हूं मैं। क्या गवर्नमेंट को हक है कि टीचर डे सेलिब्रेट किया जाए, या गवर्नमेंट को हक है कि वो टीचर्स को बोल सके है, उसके लिए ये डाटा आपके सामने है। फाइनेंशियली प्रोटेक्शन अगर गवर्नमेंट दी है, जॉब की प्रोटेक्शन दी है, यहां पर सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के बारे में मत सोचिए, गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में मत सोचिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बारे में मत सोचिए, प्राइवेट के बारे में भी सोचिए। यहां जब न्यूजीलैंड में जाते हैं, जहां पर देखिए स्टूडेंट कम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मैंने बताया है, पूरा ग्राफ दिखाया है, तो वहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उनमें इक्वालिटी है, वहां पर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन लगभग सेम है। लेकिन यहां पर देखिए कि प्राइवेट टीचर कितना अनसेफ फील कर रहा है। क्या टाइम गुड सैलरी उनको मिल रही है, क्वेश्चन मार्क। आंसर सबको पता है, टाइमली मिल रही है जी। एक तरीक चाहिए, 5 तरीक को, 10 तरीक को, 15 को, 20 को, 25 को, जहां वो जी 1 तरीक को। एक बार जो है इंडियन रेलवे पे कोई खड़ा हुआ था, तो वो कहता कि 5 मिनट पहले गाड़ी आ गई, कमाल हो गई है। साथ वाला कहता है नहीं, ये 24 घंटे लगभग लेट है, कल वाली आई है। ऐसे ही प्राइवेट टीचर्स को जब सैलरी मिलती है, तो अगर 1 तरीक को मिल गई है, पता चलता है ये 6 महीने पुरानी सैलरी है, ये वाली नहीं है, तो ऐसे खुश होना पड़ता है। अच्छा, प्रमोशन, सैलरी में प्रमोशन मिलती है, इंक्रीमेंट मिलते हैं, इंसेंटिव मिलते हैं, जितना मेहनत करवाई जाती है क्या उतना, जितना कहते हैं मजदूर को पहले मजदूरी मिल जाती है, लेकिन टीचर्स को नहीं। तो ये जस्टिस है, हैप्पी टीचर्स डे बोला जाना चाहिए। अच्छा, कितनी बार सैलरी मांगनी पड़ती है, मेरे ख्याल में 50-60% से ज्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होंगी जहां पर बार बार टीचर को मांगनी पड़ती है, सर प्लीज, सर मुझे चाहिए, सर घर में सर कोई ठीक नहीं है, सर ऐसे, सर प्लीज, सर सैलरी कब मिलेगी, सर बाबा फ्रीज जी क्या बोलते हैं, बार पढ़ाई वैसे ना साई मुझे ना दे, जे तू एवे रखसी जो शरीरों ले, कि मुझे किसी की गुलामी मत करवाना, अगर करवानी है तो मेरे शरीर को ले जाना, मुझे यहां से ले जाना। लेकिन प्राइवेटाइजेशन गुलामी का दूसरा, कहते हैं ना गुलामी की प्रथा खत्म हुई, कोई खत्म नहीं, उसका रूप चेंज हो गया है। देखिए अगर जाना है तो आप 60-70% प्राइवेट, मैं सभी को नहीं बोल रहा हूं, मैं 60-70-80% प्राइवेट इंस्टीट्यूट को बोल रहा हूं कि वो जो हक है टीचर्स के टाइमली नहीं दे रहे। अच्छा, गवर्नमेंट ने टीचर एजुकेशन का क्या किया, ये मैंने मां लिखा है, टीचर एजुकेशन की एक मां है जो एफिलिएट करती है, जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की इंस्पेक्शन करके ना उनको देती है कि हाँ आप बीएड चला सकते हो, आप एमएड चला सकते हो, ईटीडी चला सकते हो, डीएलएड चला सकते हो। वो क्या करती है, वो खुद ही 10,000 में इंस्पेक्शन हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि वो कॉलेज कहता है कि यार हमने भी कोर्स लेना नहीं है, अब वो कहते हैं नहीं हम आपके पेपर तैयार कर देते हैं, हो जाएगा। तो जब ऐसी टीचर एजुकेशन की मदर होगी तो वहां टीचर एजुकेशन कैसे होगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में वर्मा कमीशन की रिपोर्ट है, उसमें साफ लिखा है कि 10,000 से ज्यादा टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे बीएड वगैरह के जो कॉलेजेस हैं वो सिर्फ डिग्री को सेल कर रहे हैं, कोई बच्चा वहां नहीं आ रहा, अटेंडेंस नहीं आ रही, और ये नॉन अटेंडिंग का जो कैंसर है, एड्स है, इससे ये तो भयानक ही नहीं है कुछ, ये तो इंडिया को कब का लाश बना चुका है। 10 साल से पहले की वो रिपोर्ट है, इट मीन्स उनको उनका डाटा जो है 10 साल से पहले का है, और ये पिछले 10 सालों में जो इतनी अटेंडेंस कम हो गई है, बच्चे नहीं आ रहे, तो क्या करते हैं मैनेजमेंट से टीचर
टीचर्स को हटा देते हैं, नया टीचर नहीं रखा जाता, धीरे धीरे करते करते जहां जहां इतने टीचर चाहिए, 100 टीचर जहां चाहिए वहां 2-3 टीचर से काम चल रहा है, और ना ही गवर्नमेंट को कोई फिक्र है, ना इतने साल हो गए कुछ कर सके, ना ही नेशनल पॉलिसी कर सकी है, ना ही ये मां कर सकी है, और ये ना ही कोई यूनिवर्सिटी कर सकी है, कुछ नहीं हो सका। इसमें सब में पिसा कौन, क्या स्टूडेंट्स पिसे? नहीं, उसने तो सब चोर बना दिए। मैंने यहां लिखा है ओल्ड चोर, कैसे? जो मैनेजमेंट्स थी उन्होंने क्या किया कि बच्चे नहीं आ रहे, टीच नहीं करना पड़ेगा, और टीचर को कम कर दिया, टीचर कम कर दिया, सैलरी कम देनी पड़ेगी, तो बच्चों ने क्या किया कि जी 10,000 अधिक ले लो, जहां कॉम्पिटिशन हो गया प्राइवेट कॉलेजेस में कि मैं तुझसे फाइल भी नहीं बनवाऊंगा, तुझको आने के लिए नहीं कहूंगा, सिर्फ एग्जाम दे देना, सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम दे देना। इतने में क्या हुआ कि कॉलेज भूतों का बंगला बन चुके हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं है, और क्या हो गया कि इसमें पिसा कौन? पिसा फिर टीचर। टीचर जो क्वालिफाइड टीचर थे, यूजीसी नेट टीचर हैं, इन कॉलेजेस में रखने के लिए डरते हैं, क्योंकि उनको कम से कम जो पे स्केल है, गवर्नमेंट जी है ना, ये गवर्नमेंट जी, इन्होंने 2600 जैसे डिसाइड किया है, यूनिवर्सिटी ने ये ना देना पड़ जाए। कोई अनक्वालिफाइड जो 8,000 में, 10,000 में, 12,000 में, 5,000 में भी मिल जाएगा, जो जो क्लर्क की तरह काम कर सके, जो 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 कॉल सेंटर की तरह, जी एडमिशन चल रही है, जी अपनी फीस जमा करा दीजिए, ये आपका फाइनल एग्जाम आ गया है वो दे देना, बेटा ये फाइल जमा करा दो, कितने तरले करने पड़ते, अपनी रिस्पेक्ट को खत्म करके सारा कुछ हो रहा है, लेकिन आज टीचर डे सेलिब्रेट करेंगे, हैप्पी टीचर्स डे। कब? जब टीचर की को कंसेप्ट को लाश किए हुए हमें 10-12-15 साल हो चुके हैं, है ना। टीचर्स को क्या काम दिया जाता है? मेन काम, अच्छा टीचर कौन है? जो एडमिशन सबसे ज्यादा लाता है, अगर एडमिशन लगता है वो बहुत हाई रैंक का, अच्छा वो क्या है, वो एक टीचर रहता है, वो एजेंट बन जाता है, सोशल लिंक बना लेता है, और वो सारा क्या चल रहा है, ये कमीशन सिस्टम चल रहा है सारा टीचर एजुकेशन में, और कुछ नहीं चल रहा। 5,000 अगर कोई एडमिशन करवाता है, 5,000 ऐसे ही दे दिए जाते हैं, तो जो जितना ज्यादा वहां से भी कमाए वहां से कमाए, और यूजीसी नेट वाले जो हैं वो ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे होंगे, तो वो तैयारी क्यों करे? वो क्या हम एनकरेज कर रहे हैं कि और पढ़ना चाहिए, क्या अच्छी जॉब टीचिंग की जॉब में आना चाहिए, हायर एजुकेशन लेनी चाहिए, तो उन लोगों को क्या मोटिवेशन नहीं मिलेगी? आज एजुकेशन में यूजीसी नेट की देख लीजिए अपीयरेंस कितनी कम हो चुकी है। तो इसके अलावा गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि उसको हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहिए कि नहीं, ऐसी स्कॉलरशिप जो आती रही है पिछले 2015-16 से, ऐसी स्कॉलरशिप, क्योंकि ऐसी बच्चे बहुत ज्यादा एनरोल हुए हैं। अच्छा, इन बच्चों की खूबसूरती ये थी, सबसे ज्यादा अटेंडेंस इनकी होती थी, इनको शाबाश देता हूं मैं। लेकिन क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो ऐसी के पैसे आए थे, स्कॉलरशिप आई है, वो अपने पेट में ऐसे डाल ली, और वो मैनेजमेंट को नहीं मिली। मैनेजमेंट से जब टीचर मांग रहे हैं तो मैनेजमेंट ये कह रही है कि गवर्नमेंट खा गई, हमें नहीं दिए, जब गवर्नमेंट देगी हम दे देंगे, वहां मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या वो जो गवर्नमेंट खा गई एससी स्कॉलरशिप के पैसे, और वो जो डायरेक्टली किसका नुकसान हुआ? टीचर्स की सैलरी रुक गई। टीचर्स की सैलरी रुकने से टीचर धीरे धीरे जहां कनाडा, जहां न्यूजीलैंड, जहां अमेरिका, जहां गवर्नमेंट जॉब, टीचिंग लोअर जॉब, कहीं भी टीचिंग की जॉब से लो, कहीं भी चला गया। तो लेकिन वो जब अब कब वो सॉल्व होगा, कब वो मैनेजमेंट को पैसे मिलेंगे, कब वो टीचर को सैलरी मिलेगी? हैप्पी टीचर्स डे कल मना लेना, आज मना लेना, हो जाएगा। अच्छा, एक रियल वाक्या आपको सुनाता हूँ। चलो, यूनिवर्सिटी में टीचर का नाम नहीं लेता, वो बीएड के टीचर को बहुत डेडिकेटेड टीचर है, गगन थापा सर है, बहुत डेडिकेटेड टीचर है, और वो एक क्रॉस कर रहे थे, एक जो है टोल प्लाजा है ना, उसको क्रॉस कर रहे थे, तो उन्होंने देखा यार ये तो मेरी बेस्ट स्टूडेंट बैठी हुई है यहाँ पर, ये वो रसीद काट रही है, जब वो कार से निकले तो उसका नाम लिया, बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो? कहती बेटा सर जॉब कर रही हूँ। कहती आप बीएड की इतने होनहार हो, स्कूल क्यों नहीं ज्वाइन किया? कहती सर वहां 5,000 दे रहे थे, इन्होंने 8,000 दिए हैं, तो सर चले गए। ये हमारा इंडिया, हैप्पी टीचर्स डे। तो जब पे ही नहीं करेंगे, इतनी सैलरी प्रोटेक्ट ही नहीं होगी, गवर्नमेंट उसके लिए कोई स्टेप नहीं उठाएगी, 15 साल हो गया, डाटा हमारे पास है, कैसे हक है गवर्नमेंट को ये कहने का कि हैप्पी टीचर्स डे? कुछ लोगों को
चुन के नेशनल अवार्ड स्टेट अवार्ड दे देना, टीचर की रिस्पेक्ट नहीं होती। टीचर की रिस्पेक्ट उस दिन है कि हर स्कूल में हर क्लास में जो टीचर खड़ा है उसको वहां फील हो कि मैं फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड हूं, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं क्लर्क नहीं हूं, मैं कॉल सेंटर में काम करने वाला नहीं हूं, मैं एडमिशन एजेंट नहीं हूं। मैंने ज्ञान बांटना है, मैंने वैल्यूज बांटनी है, ज्ञान से पहले वैल्यूज बांटनी है। तो टीचर्स डे को सेलिब्रेट जरूर करेंगे, फिर सेलिब्रेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर 365 दिन उसको रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर किसी टीचर को अब ये फील होता है कि वो फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड है, जितने पॉइंट मैंने बताए हैं कि वो उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, बच्चों से भी, मैनेजमेंट से भी, गवर्नमेंट से भी सैलरी मिल रही है और वो काम कर रहा है, वैल्यूज दे रहा है, चिल्ड्रन को बिल्ड कर रहा है, नेशन को बिल्ड कर रहा है, उसको हैप्पी टीचर्स डे।